अपने को ये ध्यान रखना है, यही मेन कैलकुलेशन का पार्ट है अगर आप एग्रीगेट के कैलकुलेशन कर रहे हो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो इसका। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं अपन। क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो। कैलकुलेट नेशनल इनकम, एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप बना के दोगे मेरे को। आप साथ साथ देखो क्वेश्चन को। नेशनल इनकम का मेन एग्रीगेट क्या है? एनएनपीएफसी है। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है GDPMP, आपको दिया हुआ है 8,000, ये सब इन करोड़ से मान लो। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया है डेप्रिसिएशन 1,000 का, आपको दे दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500, आपको दे दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2,000, आपको दे दिया है जीएसटी 1,000। अब इस क्वेश्चन से हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का एग्रीगेट मैंने कल भी आपको बताया था, एनएनपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम का जीडीपीएमपी है। ये बेस तो पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब इसको प्रॉपरली बनाए कैसे अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, और ये आएगा एग्जाम में तो 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया तो इसे बनाए कैसे? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है, जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। हमें निकालना है एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, जो एग्रीगेट हमारे पास दिया है हम वो लिखते हैं जीडीपीएमपी, ये एग्रीगेट दिया। अब इसके आगे क्या होंगे? एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो आप क्या करोगे, एक वर्किंग शीट दे दोगे। वर्किंग शीट में जो एग्रीगेट प्रोवाइडेड है वो लिखोगे, जैसे जीडीपीएमपी प्रोवाइडेड है, और निकालना क्या है हमको, एनएनपीएफसी। तो सबसे पहला काम, जी मतलब ग्रॉस है यहां पर, और आपको निकालना है नेट। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या किया जाता है बताओ बेटा? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करूं मैं? माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस, मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस, अपना ऊपर ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ पे भी साथ साथ करते जाता हूँ। डेप्रिसिएशन ये मैंने माइनस कर दिया। दूसरी चीज, डी का मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक है, और एन का मतलब नीचे नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए बोलो? क्या एडजस्टमेंट लगेगा इसमें, क्या करूं? जैसे ग्रॉस से नेट तो आपने बता दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करो, डोमेस्टिक से नेशनल। हाँ बोलो सर, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूले को बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया एनएफआईए। ठीक है, उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है अपने को, एमपी से एफसी में जाना है, तो क्या करूं? माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी सर, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना? अगर नेशनल इनकम निकालना है तो फॉर्मूला इज जीडीपीएमपी अगर एग्रीगेट दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनएफआईए प्लस करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या ये चीजें हमको दी है? हाँ, जीडीपीएमपी दिया है 8,000, डेप्रिसिएशन माइनस करना है कितना, 1,000। ठीक है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी है? 500 दी है, प्लस आगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 दिया और जीएसटी 1,000 दिया। तो क्या करूं बताओ मेरे को, क्या करना चाहिए मेरे को बताओ? आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 दे दिया है, जीएसटी 1,000 दे दिया है, तो यहां पर मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कंसीडर करूंगा और मानूंगा कि जीएसटी उसमें इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया गया होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो जीएसटी की है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। आपको अगर डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है तो ये बेस्ट थिंग है, आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है कितना, 2,000। ठीक है,
अब इसका आप अगर टोटलिंग करके देखेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, अब हो गए? ठीक, टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका, आ कितना रहा है? 5,800। कितना आ रहा है फिर से कैलकुलेट? 800 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक, ये कितना हो रहा है? 1,525। ये आएगा तुम्हारा 5,500। 5,500 सर, वो 5 को 8 लिख लिया था। 5,500 5,500 तुम्हारा NNPFC आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन की लगे तो यार नोटिंग कर दो, ऐसे इसको एकदम अच्छे से बनाना है आपको, इसकी नोटिंग कर दो या स्क्रीनशॉट देना है तो स्क्रीनशॉट दे दो, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप मेरे को बना के देना। हो जाए नोटिंग तो बताना, यस सर कर दिए नोटिंग, समझ आया कि नहीं ये भी बता देना। हो गया क्या? बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मेन एग्रीगेट क्या है? GDP MPA। ठीक है, आपको कुछ एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, आपको एग्रीगेट दिया हुआ है NNPFC। ठीक है, आपको प्रोवाइड किया गया डेप्रिसिएशन, आपको प्रोवाइड किया गया NFIA, आपको प्रोवाइड किया गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपका NNPFC है 10,000, डेप्रिसिएशन है 2,000, NFIA है 3,000 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 1,000। ठीक है, अब जो चीज हमें निकालनी है, जैसे हमें यहाँ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में दो GDP MP, जो एग्रीगेट आपके सामने प्रेजेंट है उसको इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में दो NNPFC, आके आप करने होंगे एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम एक वर्किंग शीट बना देते हैं ताकि हमको करने में आसानी रहे। हमको प्रोवाइडेड है NNPFC और हमको पहुंचना कहाँ है? GDP MP पे पहुंचना है। ठीक है, तो अब यहां पर नेट से ग्रॉस जाने बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस जाने बोल रहा है तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन को प्लस ठीक है। अच्छा, नेशनल से डोमेस्टिक जाने बोल रहा है तो क्या करें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को सर माइनस कर दो। माइनस उल्टा करना ट्रीटमेंट, बस रिवर्स ट्रीटमेंट। और एफसी से एमपी पे जाना है, प्लस NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो सर। ठीक है, आपको ये मैंने ऊपर दिखाया, आप इसकी नोटिंग कर देंगे। ठीक है, एक बार आपको ये सारी चीज मैंने बता दी है कैसे करना है। अब ये जो मैंने एडजस्टमेंट किए यहाँ पे, मैं आगे लिख दूंगा यार, मैं इसमें डेप्रिसिएशन क्या करने वाला हूँ? प्लस करने वाला हूँ। मैं NFIA क्या करने वाला हूँ? माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करने वाला हूँ? प्लस करने वाला हूँ। सर आंसर है 10,000। कितना है? 10,000। मेरा NNPFC कितना है? 10,000। ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000। ठीक है, मेरा NFIA माइनस करना है मेरे को कितना? 3,000। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है कितना? 1,000। तो आप इसमें देखेंगे तो ये आपका कितना होगा? 10,000 तुम्हारा GDP MP है। बोलो इसमें कोई परेशानी? नो सर। ठीक,
बिना हड़बड़ाए करना, देखो अगर आपने कहीं पढ़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है भैया, एक एक क्वेश्चन को करते जाओ, है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत, नोटिंग करोगे इसकी? हो गया सर। म्यूट कर दो अपने आपको, ये जिसका बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, मैं म्यूट ऑल कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो ये देखो, कैलकुलेट नेशनल इनकम अगर बोले तो एनएनपीएफसी एग्रीगेटर, डोमेस्टिक बोले तो जीडीपी एमपी है। अब उसके अलावा बीच बीच के एग्रीगेट्स के भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, एक मेरे को देखो बना के दे पाओगे कि नहीं, चलो मेरे को बताओ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट एनडीपी एमपी, ये आपको निकालना है एनडीपी एमपी। आपको दिया क्या क्या है मैं बताऊं तो, आपको दिया हुआ है जीडीपी एमपी दिया है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है, आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी है, आपको जीएसटी दिया है, आपको सब्सिडी दी है। जीडीपी एमपी आपको 5000 दिया है, डेप्रिसिएशन आपको 1000 दिया है, एफआईएफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया है 700, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200, जीएसटी 500, सब्सिडी 100। आप क्या ये क्वेश्चन मेरे को बना के दे पाओगे? सर एनडीपी एमपी 4000। हाँ एकदम प्रॉपर वे में, अरेंज वे में बनाओ बेटा इसको आंसर, 4000। गुड, बाकी लोग भी सब बनाओ, सब लोग बना दो सर। 4000 आ गया? यस सर। क्या करें इस क्वेश्चन में, सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ क्या करने के लिए दी थी, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। आपको yes, सिर्फ काम पड़ा, ठीक। करना क्या है मुझे निकालना है एमपी, मेरे पास एग्रीगेट क्या दिया है जीडीपी एमपी मुझे प्रोवाइड किया गया है। अब अगर मैं यहाँ वर्किंग शीट बनाऊं तो मुझे दिया है जीडीपी एमपी और मुझे निकालना है क्या एनडीपी एमपी, तो एमपी एमपी सेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही सेम, डोमेस्टिक इनकम दोनों वही है, बस मुझे ग्रॉस से किस में जाना है नेट में, तो मुझे डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, केवल माइनस करना होगा। बाकी इंफॉर्मेशन का मेरे लिए कोई काम ही नहीं है क्योंकि मेरे से नेशनल इनकम तो पूछ ही नहीं रहा है, मेरे से फैक्टर कॉस्ट अन्नपूर्णा उसको मिटाओ, ठीक है। तो इसमें बस मुझे क्या करना है, 5000 मेरा जीडीपी एमपी है, इसमें से 1000 जो है मुझे माइनस करना है, तो 4000 मेरा एनडीपी एमपी आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आपको लगे तो आप इसकी नोटिंग कर दो, जितना निकालना होता है सिर्फ उन फिगर्स को ही आप कंसिडर करते हो, बाकी से आपको कोई मतलब है ही नहीं। हो गया तो बताना सर, ये हमने नोट कर दिया है। कल इसका एक टेस्ट दे देना एग्रीगेट्स का सभी लोग, है ना। यस सर। कल इसका एक टेस्ट दे दो, 20 क्वेश्चन करीबन दूंगा, ठीक है, बनाओ, फिर आपको थ्योरी चालू करा रहा हूं मैं नेशनल इनकम के, एग्रीगेट अगर समझ आ गए। ये हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बना के दो तो मेरे को। लो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको, और आपको जो फिगर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो है एनडीपी एमपी आपको दिया हुआ है, आपको एनएफआईए दिया हुआ है, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है, आपको सब्सिडी दी हुई है और आपको जीएसटी दिया हुआ है, इतनी चीज आपको प्रोवाइड की गई है। आपको एनडीपी एमपी दिया है 80,000, आपको एनएफआईए दिया है -200, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है 4950, आपको प्रोवाइड किया गया सब्सिडी 1770 और आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है या जीएसटी दिया है 10,600। आप इस क्वेश्चन को मेरे को बना के दो, इस क्वेश्चन को आप मेरे को बना के दो, आंसर बताओ क्या आ रहा है।
मोबाइल कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब कर दोगे तो बताना बेटा। क्या आंसर आ रहा है इसका? आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको ना। आंसर बताना है इसका क्या है। सर 66,020। नहीं सर 72,380। नहीं 93,580। बुक में इसका जो आंसर दिया है, ये बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है 75,920। 75,920 दिया हुआ। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं यार, यही आ रहा है क्या? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? जीएनपीएफसी निकालना है, ये आपको निकालना है। आपको दिया क्या है? एनडीपीएमपी आपको प्रोवाइडेड है, आगे उसमें एडजस्टमेंट लगेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड है एन डी पी एम पी और आपको पहुंचना कहाँ है? जी एन पी एफ सी में पहुंचना है। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा यहाँ पे? प्लस होगा। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए क्या होगा? प्लस होगा। एमपी से एफसी में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे एनडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन प्लस होगा आपका, आपका एनएफआईए प्लस होगा। ठीक, और माइनस क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब जो जो प्रोवाइडेड है देख लेते हैं, हमको 80,000 एनडीपी एमपी दिया हुआ है। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन 4950। ठीक है, प्लस एनएफआईए माइनस 200। ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना बोल रहा है अपने को? ये 10,600 माइनस 1770। 10,600 तुम्हारा जीएसटी है और 1770 सब्सिडी है। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो क्या कैलकुलेशन बनता है इसका? 80,000 प्लस 4950, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 200 हो जाएगा, माइनस इधर क्या आ रहा है एक बार देख लिया जाए यार करके। 10,600 माइनस 1770 8,830 हो रहा है, 8830। आगे फर्दर कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा? 8830 प्लस 200 करूंगा तो ये माइनस 9030 हो रहा है। 80,000 प्लस 4950 माइनस कितना हो रहा है ये मेरा? 9030 है ना। फर्दर और करता हूं, ये कितना होगा? 9030 माइनस 4950 4080। 80,000 माइनस 4080 कितना पहुंचेगा ये? कितना होगा भाई? 80,000 माइनस 4080
75920 बोलो कितना पल्ले पड़ा, थोड़ा बहुत समझ आया क्या, कुछ पूछना है? नोट डाउन कर दो सर ये क्या करे आप आखिरी में, जीएसटी माइनस सब्सिडी तो अपन दिखे ना ऊपर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली तो दिया नहीं है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया कैसे, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दिया, हो गए। तो एकदम आराम से इन क्वेश्चंस को करो आप, ठीक है, हटाना नहीं है हमको। बन गए क्या आपसे, ये बन गया, आपने नोटिंग कर दी क्या बेटा? आप ना ये वर्किंग शीट मैचिंग वाली ऐसे हमेशा बनाना, ऊपर लिख जरूर देना वर्किंग नोट करके, इससे आसानी पड़ती है, ध्यान रखना कहां से कहां पहुंचना है, बस आपको उसको वो करना है, फाइंड आउट करना है, और आपको बहुत आसानी से ये बनेगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हो गया क्या, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मैं सुनो, ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दे रहा हूँ, और आपको आज मैं 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करके रखना, कल आप इसका एक टेस्ट दे दो अच्छा खासा, ठीक है, बन जाएगा कल टेस्ट। yes, ये आप कर दो। yes, ये हम लोग कर रहे हैं। 31 पार्टिसिपेंट अभी दिख रहे हैं, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है, कल से मैं 10:40 को ना लॉक कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है आखिरी टाइम में 2-3 ऐड हुए हैं, 10:40 को मैं ऐड इसको कल लॉक कर दूंगा मीटिंग को, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, और किसी को जुड़ना हो तो मेरे को फिर SMS करना है, व्हाट्सएप करना, ये करो।